देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर के अगर तो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं तो आप अपने आप को खुशकिस्मत गर्दाने, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान के तूल अर्ज में जो बिजली की तातुली की शिकायत मौजूद है और 24 से ज्यादा घंटे गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में जो तरसीलाती निज़ाम है वो मामूल पे नहीं आ सका। तो अगर इस वक्त भी आपके घरों पर लाइट है, बिजली है और आप टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो यकीन तौर पर खुद को खुशकिस्मत जाने। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है जरा उसकी तरफ चलेंगे, क्योंकि आज कुछ गिला है वो मैंने करना है, वो आपके साथ नहीं है, आवाम के साथ नहीं है, हुक्मरानों के साथ नहीं है, सियासतदानों के साथ नहीं है, गिला है कुछ अपनों से और वो अपने आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। और जनाब जहांगीर सईद साहब आपको आज वेलकम करेंगे स्टूडियो में। जहांगीर साहब, ऑन एयर गिला करने की इजाजत है? आप कुछ साथ माना हमेशा से आपसे शिकायत से वेंटिलेट होता है इंसान और उसमें नई नई सोचे आती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस तो अब आपने प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कहा। अब आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, मेरी सहाफती करियर का आगाज भी आप ही के साथ आपकी सरपरस्ती में हुआ। एक चीज आपने नहीं सिखाई जिसका मुझे गिला है और वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने क्यों ना सिखाई, और अगर आज सिखाएंगे तो आप सरेआम हमें सिखाएंगे ये हुनर भी। सर, ये सहाफत से वजारत तक का जो सफर है या सहाफत से हुकूमत तक का जो सफर है, सर ये कैसे तय होता है, ये आपने मुझे नहीं सिखाया। देखिए, पहले बुकिश मैं जो है ना एक डेफिनेशन देता हूँ जो बहुत बुनियादी डेफिनेशन होती है, पहले उसको हम फ्रेम करते हैं फिर हम ये देखेंगे। एक तो ये है कि उसूल, कवायद, जवाबित, इखलाकियात इसकी क्या हैं, एथिक्स होती हैं, कुछ कोड ऑफ एथिक्स होती हैं, उसके अंदर ये आता है कि सहाफ़ी की जो कमाई का ज़रिया है वो एक होना चाहिए, वो नॉन जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ या मीन्स के साथ वो कहीं बटावा ना हो। सही है, ये तो बिल्कुल समझ लीजिए कि डेफिनेशन है जो बड़ी बड़ी आप डिक्शनरियों में देखें या हमारी किताबों में देखें जो हम पढ़ के निकलते हैं उसमें यही। लेकिन माज़द कथा कला जी सीखने का मतलब तो गुंजाइश दीजिएगा, अगर कोई सहाफी सहाफत करे वक्त पे उसको कोई अच्छी ऑफर हो जाए फिर वो सहाफत से कुछ अर्से किनारा कशी कर ले, उसी सहाफत के समय में ऑफर भी मिली हो फिर वो वापस से सहाफत पर रुक कर ले तो ठीक है। ऐसा एक गैप आ सकता है, ये कोई भी आदमी स्टार्ट भी ले सकता है, कोई ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसी के अंदर दोबारा आप देखें तो उसका जवाब मौजूद हो कि एक वक्त में उसके सोर्सेस एक होना चाहिए, वो सहाफती मैदान से होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। चले, अब आपने ये बात कही, ताज़ा खबर है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, आपके पास अखबार भी पड़ा हुआ, आप देख भी रहे होंगे कि वज़ीर आला पंजाब जिन साहब को बनाया गया है उनका ताल्लुक भी सहाफत से रहा और आज भी वो बड़े मकबूल हैं सहाफती हलकों में। अब आवाम उनके ऊपर कुछ तनकीद कर रही है, कुछ उनके मामलात को सराह भी रही है, एक सेगमेंट है सोसाइटी का वो कह रहा है कि कोई बात नहीं अगर काबिल कबूल हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर सहाफ़ी हैं और मुतनाज़ा भी रहें किसी एतबार से तो फिर उनको ये अहदा दे देना और फिर अपोजिशन और हुकूमत का एक तरह से हमांगी भी ना होना। सर, आपको लगता है ये जो हुआ पंजाब के हवाले से सही हुआ? आपने तो इतनी सादगी से सवाल किया ना तो उसका जवाब तो मुझे सादा आदमी ना सर। देखें, एक बात ये मैं बताऊँ आपको, कहते हैं इस्म बमुसम्मा, जैसा नाम वैसा ही वो, उसकी क्वालिटी भी हुई। वो मोहसिन है, उसने इतने लोगों पर, इतने फील्ड के अलग अलग लोगों पर, गवर्नमेंटल लोगों पे बड़े बड़े ब्रिज उसने सर किए हुए हैं और एहसानात किए हुए हैं। कोई उसको अपना बेटा बोल के फ़ख्र महसूस करता है, कोई अपने रिश्तेदारी का हवाला देता है, समझे ना, परवेज़ इलाही साहब के जो नवासे नवासी का शोहर है वो, ये भी उसको एजाज़ साल है। मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात है, आप इधर देखें कि जनाब जरदारी साहब तो जीरक आदमी है, इंसान को पहचानते हैं, उसकी क्वालिटी जानते हैं, उसका फन व हुनर समझते हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशन और क्वालिटी है वो जानते हैं, उन्होंने उसको अपना बेटा बना लिया। लेकिन एक बात है, कमजोरी जानते हैं क्वालिटी, आप ढके छुपे अल्फाज बात करें ना, मैं कमजोरी आप सुने तो सही, आगे सुने आपको ढके छुपे भी डिस्कवर हो जाएंगे। ये जो आलमी तरह के हर एक के साथ एहसान मंदी का जो रिश्ता बनाते हैं ना या एहसान मंद रहते हैं, उनकी एक ही बात है,
जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। इन मोहसिनों की यही बात होती है कि ये जो है इस तरफ भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी हैं। आज ये देखें, कल ये कह रहे थे हमारे परवेज इलाही, हमारे ख़ानदान को इन्होंने जो है वो हाईजेक करने की कोशिश कर दी है, जरदारी साहब ने ये क्या कर लिया। आज का बयान देखें कि वो बेहतरीन आदमी है, उस पर क्या शक हो सकता है, हम उसके साथ हैं। अब आप देखें उसकी अहमियत, देखें उसकी चमत्कार, देखें कि आप 24 घंटे में राय बदल रही है लोगों की। सर राय तो बदलना फिर बजा है ना, लेकिन मुझे जरा फिर मौजू की तरफ बढ़ूंगा। पंजाब में ये जो अभी नई एक कहें कि इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इस इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपनी तशवीश का इजहार भी कर दिया और यकीन तौर पर इस फैसले को कंटेस्ट करने का भी इरादा रखते हैं। मुझे बताएं बतौर सहाफी, जब आपको आपको क्या लगता है कि क्या एक सहाफी को इस तरह से कोई हुकूमती ओहदा कबूल करना चाहिए या हुकूमत का इस तरीके से हिस्सा हो जाना चाहिए? यहाँ तो जनाब पैरेलल एग्जांपल, पहले एग्जांपल सेट होती है, पहले जो है इंसान की अपनी मुल्क की रिवायत ख़त्म होती है, फिर आइन का तकाजा ख़त्म होता है, इखलाकी जो है वैल्यूज़ होती हैं उस पर वो लगता है, फिर एक ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे हमारे सहाफ़ी बरादरी के लोग गए हैं और उन्हें हेड भी किया है, और जो है कॉन्फिडेंशियल जो होता है इंटरेस्ट का जो क्लेशन होता है, टकराव होता है, वो मौजूद है। सयाम तो ये जो मुफाद का जो टकराव है, इसकी वजह से जो सूरत हाल पैदा होती है, इसको दूर करने के लिए कहा यह जाता है कि साफ़ी उसकी अपनी राय हो सकती है, उसका एक जहन हो सकता है, लेकिन जब वो न्यूट्रल नहीं रह पाता तो फिर तो सवाल पैदा होता है ना कि आपकी तो रिकॉर्ड पे आपके तो सारे रहने वाले साफ़ी को इस तरह की ऑफर्स होती हैं, आपको नज़र आया? देखिए न्यूट्रलिटी की भी दो शक्लें हैं, एक तो ये है कि सारे जहां की खिदमतगार भी मैं हूं और सब जो है मुझसे लुत्फानंदोज भी होते हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं, और मैं फ़ायदा पहुंचाने में न्यूट्रल हूं कि मैं सभी मेरे जो है हल्का बरदारों में से, तो ये तो फ़न है भाई, किसी किसी की किस्मत में आता है। हम और आप जैसे लोगों के लिए थोड़ी है, साफ़ी हम हैं तो एक टैग के तौर पर हम चल रहे हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल, वही है, आप अरसे दराज से सहाफत कर रहे हैं, आप सीनियर हैं, आप सहाफती हलकों में काफ़ी मकबूल भी हैं, मुझे ज़रा ये बताएं कि इस तरह की जो ऑफर्स हैं, पेशकश हैं, आप जैसे लोगों को क्यों नहीं होती, या आप जो माइंड सेट को जिसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमें सहाफत को बिल्कुल अलहदा रख के चलना है, सर ये आपको क्यों नहीं होती और दीगर लोगों को क्यों हो जाती है? वो आर दोज लकी वंस। देखें ये तो किसी को भी हो सकती है जो एक्सेप्ट कर सका है, गिव एंड टेक का मसला होता है, ये मुफादात की जंग होती है। सर गिव एंड टेक कर सकता है, करना नहीं चाहिए, लेकिन आपके सामने तो दसियों मिसालें हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? कौन कौन सी? इससे पहले नहीं हुए, इससे पहले नहीं है, अस्करी साहब भी बने हैं, ये हमारे क्रिकेट के अभी सेलेक्टर बन गए हैं, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब, बने हैं, और अभी भी जो है उनको ये कहीं ना कहीं फेवरेट उनको मिला है, फेवरेट है उनके लिए। एक सवाल छोड़े जाओ क्योंकि ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, एक सवाल है कि हमने देखा कि नून लीग के दौर में अक्सर ये जो इस तरह से सहाफ़ी हजरात को हुकूमती धारे में लाना या अहम अहदों पर फाइज कर देना, या फिर हमने देखा कि माजी में कुछ ऐसे इदारों के लोग भी थे जो शायद इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते थे, उनके रिटायर होते ही उनको एक बड़े सारे मरात के साथ एक बड़े ज़बरदस्त अहदे के ऊपर तैनात कर देना, ये नून लीग की सियासत में कोई पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन इससे माशरे के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं? सवाल मैं आपके तरफ छोड़े जाता हूँ, ब्रेक पर जाना, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे उस सवाल का जवाब। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन, आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इसका और तक कि किस अंदाज से पाकिस्तान में हुक्मरानों ने वक्तन फवक्तन अपने चुनिंदगान लोगों को उन अहदों पर फाइज किया जिससे शायद ये तासुर मिल रहा है कि उन्हें फायदा हुआ, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ फायदा जरूर हासिल भी किए गए होंगे, तभी ये रविश आज हमें परवान चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे एक सवाल मैंने आपसे पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, किस तरह का जब मामला होता है तो फिर इसके असरात माशरे पे कैसे होते हैं? मैं अगर एक ऐसे सहाफ़ी की बात करूँ जो आज मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे बच्चियाँ जो आज सहाफ़ी बनना चाहते हैं, जो एंकर पर्सन बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जब
जब वो ये सारे मामलात को देखते हैं तो वो उसको किस तरह से परसीव करते हैं और वो क्या पैगाम लेके अपनी जर्नी को आगाज करेंगे? देखिए भाई, आप अगर आपने सवाल किया है तो आप बर्दाश्त की कुव्वत भी रखें और जो बात कही जाएगी, मुझे कौन सा प्लॉट मिल गया जो आप मुझे कह रहे हैं कि बर्दाश्त प्लॉट मिलेगा नहीं आपको, आपके जैसे जिस मामला है ना उस पर प्लॉट मिला नहीं किया जाएगा। हाँ, आपको तैयार बहरहाल हम उससे निकल जाएंगे। ये देखें कि जो हमारी सोसाइटी है जो कलेप्स हुआ है, इसे बनाना कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है कि और बिल्कुल दिवालिया करना जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखें कि कोई भी इदारा जो है ना, कोई भी इदारा जो है अपने हुदूद में रहा है कहीं, वो उसने दूसरे हुदूद तोड़े। जब बड़े बड़े हुदूद टूट गए हैं, हमारी सियासत में आ गई हैं, इदारे आ गए हैं, उन्होंने जो है सियासत भी की मुख्तलिफ, पूरी पूरी सियासत की और सारी जब चीज़ें हैं, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो भी पॉलिटिसाइज्ड हो गए हैं सारे, आप जगह देखें। अब रह गया था बेचारा एक, अब तो जो है ना उस पर जुडिशरी पे भी ये इल्ज़ाम आता है कि ये पॉलिटिसाइज कहीं हो गई। कितनी ख़तरनाक बात है, बिल्कुल सही। इधर के लोग इधर आ रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, जो जिस जहाँ के लोग थे ना, जो एक मजबूत सोसाइटी होती है वो जहाँ के लोग हैं, जो अप्रोप्रिएट जो उनका वर्क प्लेस होता है, जिसके लिए उन्होंने तरबियत ली होती है, जिनके रुझान होता है, जिसमें कुर्बानियाँ दी होती हैं, वहां तक महदूद रहते हैं। मैं जब हमारी आप बात नहीं समझे तो मैं और ज्यादा क्लियर करके बात समझाना चाहता हूं। सवाल करते तो आप बिल्कुल, अब आप ये देखें बुनियाद, ये देखें जब ये मिसालें पैरेलल एग्जांपल इतनी कायम हो गई हैं कि हर शोबे में आप जब पूछ सकते हैं, आप सियासतदान सियासत नहीं है वो, उसको एक बड़े बड़े जागीरदारों का मुल्क है ये, वहां जाके जो वोट जो ब्यूरोक्रेसी में बैठ जाते हैं, अबे भाई हमारे पास गिजाओं की किल्लत हो रही है, अपने खेत आबाद करो। मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन मैं आज एक सहाफी के एतबार से पूछूं, एक यंग सहाफी जो आज इस फील्ड में आता है, वो रेसिपी ऑफ सक्सेस क्या देखेगा? या मैं सिर्फ सहाफी तक क्यों रेसिपी देखें? आप जब एग्जाम्पल देखूं सर, मैं आज उस शख्स को आइडियलाइज मानूंगा ना दुनियावी एतबार से जो ज्यादा सक्सेसफुल है, जो आज अहम ओहदों पे फायज है। आपने कितनी खतरनाक बात कह दी है, आप आइडियलाइज्ड आप उसी को करेंगे सक्सेस है, और सक्सेस से क्या मेरा क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, मुझे बताएं हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है, और अगर मैं कहता हूँ आइडियलाइज नहीं है तो कौन सी आज की मास कम्युनिकेशन की जर्नलिज्म की क्लास में जब गए तो वहाँ जो हमारी प्रोफेसर थी उसने एक सवाल किया, क्या कि आप ये बताइए पैसा कौन कौन कमाना चाहता है, इज्जत कौन कौन कमाना चाहता है, आइडियलाइज सूरत हाल सही है। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, और कुछ ने कहा हम इज्जत कमाना चाहते सही हैं है। तो वो जो पैसा कमाने, उन्होंने कहा आप एडवर्टीजमेंट में चले जाइएगा, आप अब जर्नलिज्म प्रैक्टिकल में चले जाइएगा, सही है, वहाँ पैसा वैसा नहीं है, आपको नुकसान। पुराने दौर की बात कर रहे हैं, ये बात जदीद में मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ तो बताने, टूट गया ना क्राफ्ट, टूट गया ना भाई साहब, वो चीज टूट गई है, टूट गया मुल्क टूटता है यार, कैसे टूट गया मुल्क, ऐसे टूट गया, आप अपनी वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, हर चीज को आप डालेंगे, इधर का इधर की उधर फोर्स लग रही है, इधर की उधर फोर्स, ये कौन सी फोर्स है जो अच्छा, है ये मोहसिन नकवी साहब का जो तायुन किया गया, इससे इनको क्या बेनिफिट आपको लगता नजर आ रहा है कि क्या यार, एक बात ये प्रोपेगेंडा मशीनरी उनकी, मिशनरी जैसे उसको कहते हैं, उनके पास चार पांच वो जो वो है अब टीवी चैनल्स हैं, और दूसरी बात ये है कि वो नैरेटिव बिल्ड करने के काम आ सकता है। नैरेटिव बिल्ड तो बहुत छोटी बातें हैं, उनके पास सारी चीजें होती हैं, कहने वाली बातें नहीं होती हैं कि उनके पास जितने मींस हैं, जितने उनके पास जराए हैं, वसायल हैं, उसको सब अपनी तरक्की के लिए उसको लेके आते हैं, ये रिवायत गलत है। आप में मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जनरलाइज एक साफी के मैार की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर अगर ये फुट आते हैं तो आप इनको इनकी तरफ आप इशारा कर सकते हैं, लेकिन मैं आइडियलाइज हुकूमत क्यों, मतलब अगर मैं मुस्लिम नून की हुकूमत की प्रिसाइसली बात करूं, क्यों ये प्रैक्टिसेस की तरफ जा रही है, क्या कोई खास वजह है, या एज सहाफी हम इजी सेलेबल है? दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, ठीक है, और दोस्त का दुश्मन आपका जो है वो दुश्मन होता है, बिल्कुल सही, यही मैार है ना। अब इन्होंने ये देखा कि ये जो तहरीक इंसाफ वालों ने इसको तकलीफ बहुत पहुँचाई है, और इन्होंने भी जो है वो कुछ कम नहीं किया है, तो वो जिनका जो तहरीक इंसाफ वालों का, इमरान खान वालों का जो चीज़ें हैं, जो वो कह रहे हैं, उसे तो ऐसा लगता है कि ये एक्सट्रीम सतह का जो है वो दुश्मन है,
इंतहाई दर्जे का एक दुश्मन है, और इन्होंने कुछ नैप के मामला भी हैं, कुछ नैप के भी हैं, सारी चीजें बार्गेनिंग वाले इश्यूज हैं। अरे हजार ऐसे, मैं सैकड़ों बता दूं जिनके नैप के केसेस 12-12 साल से चल रहे और आज तक फैसला नहीं हुए। आप किसको, अगर आपको नवाज शरीफ की मिसाल देंगे तो फिर भी बोलेंगे यार ये तो वहीं से तो ये क्लियर होके आए। प्ली बार्गेनिंग तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एतराफी बयान भी तो है ना। एक जो ना, एक तो प्ली बार्गेनिंग होती है कि वो मजबूरी होती है, और एक जो थी ना ऑफर बार्गेनिंग होती है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, मेरे से पैसे वापस ले लो और मुझे माफ कर दो, वो उसकी पकड़ नहीं होती। प्ली बार्गेनिंग आप पकड़े गए तो आप जो है तो अगर प्ली बार्गेनिंग के हवाले से मुकदमात हैं, मैं अभी भी मफरूजे के तौर पर बात कर रहा हूं, तो क्या ऐसा शख्स वजीर आला पंजाब हो सकता है या वजीर आला हो सकता है या कोई अहम सरकारी ओहदा रख सकता है? उसूली बात कर रहा हूं। वैसे जो है आप आईनी सतह पर जाएंगे, कानूनी सतह पर जाएंगे तो सबको सियासत करने का हक है, जब सियासत करने का हक है तो उसके ऑफिस रखने का भी हक है, ये सारे जो हुकूक है आइन के तकाजे हैं। लेकिन आप पूरे देखें कि बरतानी की बड़ी मिसाल देते हैं हमारे, इमरान खान भी बताया जाता है, उनका पूरा आइन अनरिटन है सारे के साथ, वैल्यूज़ पर जो चीज़ उन्होंने कर दी है, जिसको कौम ने मान लिया है, जिसकी जो है वो रिस्पेक्ट होती है इन बातों की, उसी पर अमल दरामद करते हैं। अब आप ये देखें, अगर आप एक इंसान हैं तो आप एक इखलाकी वैल्यू भी तो रखते हैं, आपका एक ज़मीर भी तो है, और आप जमीर को जो है देखे भी तो सही। माजर का आप जमीर की बात कर रहे हैं, अफसानवी गुफ्तगु लग रही है ना, मुझे तो किताबी बातें लग रही हैं। तो मैं कहता हूं नहीं जागीर साहब ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, क्या इनको नहीं पता कि इनका तायुन कैसे किया गया, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम की जमातों ने इनको या इलेक्शन कमीशन ने वन साइडेड मौकफ लेते हुए सारे मामला को तय किया? ये तो आप ही जानते हैं, तो आप ही समझते हैं, तो फिर मुझे बताएं अगर ये मौजूद होंगे और पंजाब में इलेक्शंस हो जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है सर, पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, अभी के सूरत हाल को देखें तो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी वेव नजर भी आई, बाय इलेक्शंस में भी ट्रांसफॉर्म हुई, अब अगर नतीजे आते हैं और तहरीक इंसाफ उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती, मैं कहता हूं सही तौर पे भी इलेक्शन हो जाते फिर भी ये नतीजे आते हैं, तो फिर सर जिम्मेदार कौन होगा? इसके बाद जो इंतजार होगा उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन थे, कमिश्नर थे, वो बहुत ज़यीफ़ थे, उनका क्या नाम लेना, वो उनको जो है लोग भी नहीं पहचाने जाते थे और नाम भी नहीं पहचाने जाते सही, और वो बने, इलेक्शन भी हुए और जो भी जो फॉल्ट आया उसको भी जो उसको सेट करना चाहते थे वो इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई सही। तो इस पर मेयारात को तलाश करके नहीं बल्कि ऐसा आप लाया जाता है कि इस ये जो मुआशरा बिगड़ चुका है उसमें कोई बहुत शरीफ आदमी जो अल्लाह अल्लाह करके तस्बीह चला रहा हो समझे वो कुछ कर सकता है? वो सब सबका तोड़ जानता है, उसके तो सबके मतलब चीज़ें, और वो किस किस से करीब नहीं रहा। अभी मैं कहता हूँ एक खबर है, पता नहीं ये सही है ये गलत है, कि ये मोहसिन नकवी साहब जो, क्योंकि मैं इस पर कह रहा हूँ तो उसकी जिम्मेदारी भी रावी पे होगी जिसने जो है ये खबर रखी है सामने, कि जो ये हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, ये अभी जो है वो गए थे उमरा के लिए और जो है बैतुल्ला के दरवाजे खोल दिए, उसमें ये भी शामिल थे। ये आप कह रहे हैं कि उनमें भाई मैंने तो ऑन ईयर जो है मैंने सुना है वही कह रहा हूँ ना। आप सुनी सुनाई बात है, अभी हेयर से है ना, मेरे पास कोई पुपुआ है, मेरे पास तो कोई किसी ने नहीं दिखाया। अगर अगर तो यहाँ से कहीं अगर तो ये नहीं, है नहीं ऐसी बात चली है। चले मैं ब्रेक पे भी जा रहा है, लेकिन एक अप्रोच है उनकी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक हो, नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन अगर आसिम मुनीर साहब जो है वो खैर मकदम कर रहे हैं, अप्रोच देखें कि अप्रोच कहाँ तक है, अप्रोच कहाँ तक है, फिर आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझसे कहलवाना चाह रहे थे तो भाई मैंने जो सुनी सुनाई कह दी है, अब फैसला करना आपका काम है, आप तर्दीद कर दें। अगर ये बात गलत होगी तो उसकी तर्दीद हो जाएगी। हाँ, तो हमारा मकसद ये नहीं है, मेरे ख्याल से अगर वीडियो ये भी एक कोशिश हो सकती है कि वो अलग गए हो और एक तासुर ये कायम हो गया कि आसिम मुनीर साहब जो है वो अब उमरा कर रहे हैं और बैतुल्ला, बहुत सी पाई जाती है, लेकिन यकीन तौर पे कहीं ना कहीं एक कनेक्ट तो फिलहाल नजर आ रहा है जो कि आला अहदेदारान तक है। आला देखिए सिर्फ ये बताना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो ना
ए पॉलिटिक नहीं है और ये नहीं, इस बहस में नहीं पड़ रहे, ये देख रहे हैं कि ये चाहे तो कहां तक रह सकते, बिल्कुल ठीक है, ये चाहे तो इससे बड़ी मिसाल मैं क्या दे सकता हूं। बिल्कुल सही कहा, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से बड़ा अहम भी है कि इसकी वजाहत भी आ जाए, और क्योंकि जब ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब लौटेंगे तो तहरीक इंसाफ के जो बके इस्तीफे थे वो कबूल कर लिए गए, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो गई थी उन इस्तीफे को वापस लेने के लिए, लेकिन जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ऐन मुमकिन था कि पीर के दिन ये इस्तीफे कबूल हो जाते, पीर नहीं मंगल को इस्तीफे कबूल कर लिए गए, और जिस अंदाज से हुआ वो भी हमने देखा, उसको बात करेंगे ब्रेक के ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन, आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, एक अहम स्टोरी जो आज यकीन तौर पे सबको एक्सपेक्टेड भी थी किसी ना किसी तौर पे कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली है उनकी इस्तीफे कबूल हो जाएंगे, और बिल आखिर यही कुछ देखने में आया कि असद उमर साहब जो कि इतवार के रोज तक कह रहे थे कि वो स्पीकर से बाकायदा तौर पे ये कहना चाह रहे हैं या कह चुके हैं या अपना पैगाम पहुंचा चुके हैं कि वो अपने इस्तीफे वापस लेना चाह रहे थे, तो उसी दिन हमने भी अपने प्रोग्राम्स में बात का इशारा कर दिया था कि ये इस्तीफे वापसी होना तो यकीन तौर पर मुश्किल अमल होगा, लेकिन पीर के रोज ही ये खबर आ सकती थी कि ये इस्तीफे कबूल हो गए, जो कि हमने देखा कि ओवरनाइट की जो सूरत हाल थी लुइस में ये खबर भी आ गई, लेकिन इस खबर के पीछे की कहानी क्या है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 43 जो इस्तीफे कबूल हुए हैं ये आखिर कहाँ जाके ये बात ठहरती है और इसका असल मकसद क्या था। ये बात भी है कि केयर टेकर सेटअप के लिए तहरीक इंसाफ को ऐवानों से मुकम्मल तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी इस हवाले से यकीन तौर पर बड़ा अहम होने जा रहा है। जंगी साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ की अहम मुलाकात जा रही है, अहम पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी हो रहा है, और यकीन तौर पे इस मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू हो ही रही होगी कि स्पीकर ने जो इस्तीफे 43 इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए, अब इसके बाद क्या, इसके बाद तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा क्या ऑप्शन रह जाते हैं। भाई तुरफा तमाशा है, एक आप देखें ये भेड़ बकरियों की तरह, जैसे रेसलिंग में जो है, कबड्डियों में जो है, कबड्डी की तरह ये लड़ रहे हैं, कोई तसूल ही नहीं है, बस मारे जा रहे हैं, जो भी फाउल हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई कायदा कानून नहीं है, किसी को भी आप दूध का धुला या जमहूरी रिवायत पे खड़ा नहीं दे सकते, एक यूँ मारता है तो एक जो है वो दूसरा दाव मारता है, तमाशा हमारा बन रहा है यार, मुल्क का बन रहा है कि कौन कौन सी है, किसी को परवाह नहीं है कि किसके जिसके 4 अरब पर पहुंच जाए, और अब तो और भी नीचे जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में आप ये तमाशागिरी करोगे, आप एक कहते हैं, एक कहते हैं कि भाई आप वो नहीं लो, हम वापस हम नहीं लेंगे, हम बैठेंगे वापस बैठेंगे, उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। जाहिर साहब माजरत के साथ मुझे बताएं कि माजी में इस बार और माजी में जो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, कदर मुख्तलिफ हैं, कि पहले भी सियासी कशीदगी होती थी लेकिन कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस होती थी कि इसको रिजॉल्व करना है, और ये गुंजाइश हमने देखा कि 6-7 माह तक छोड़ी गई, लेकिन जब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि चलो अब इस कशीदगी को रिजॉल्व करने के लिए असेंबलियों का रुख करते हैं ताकि एक नए केयर टेकर सेटअप के ऊपर बात की जा सके, इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर बात की जा सके, तब ये इस्तीफे एकदम कबूल होने लगे, और फिर देखें एक सीरीज के साथ ये इस्तीफे कबूल हुए। इसके पीछे कौन है, कौन सी सोच है, कौन चाह रहा है कि पाकिस्तान में ये सियासी इंतजार मजीद पन पे? देखिए ये बात तो आप ये देखें, ये कह रहे हैं कि असेंबली है, उसकी तकदीस है, उसके अंदर जो है हमें बैठना चाहिए, और जब हम बैठने गए तो भाई तुमने जब से तुम जो से इकतदार लिया है तो तुम तो असेंबली में आ ही नहीं रहे थे, 1.5 साल हो गया है तो सर उसमें तो उसका चार्ज तो स्पीकर पे भी होना चाहिए कि इतना अरसा तक जब कासिम सूरी साहब ने इस्तीफे कबूल कर लिए तो स्पीकर ने किस कैपेसिटी में इस्तीफे रोक के रखे। अच्छा चले, और मजे की बात ये, अच्छा ये भी दिलचस्प, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ये स्पीकर की ये वाले स्पीकर की जिम्मेदारी है, स्पीकर की नियत ये मानने की बात है कि ये जो ना आखिरी तो इन्होंने खेला, बिल्कुल सही, लेकिन मसला ये है कि जो हाजिरें लगाते रहे मतलब आए नहीं, और जो तनख्वाहें लेते रहे, ये तनख्वाह जा रही थी तो आपके मेरे पैसे जा रही थी ना, ये तनख्वाह रोकी जा सकती थी, स्पीकर साहब रोक सकते थे, स्पीकर साहब कह सकते थे। एक बात ये, एक इख्तियार किसके पास था, देखिए एक बात, इस्तीफे दे जा, इंसाफ का तकाजा ये है कि एक शख्स ने, जब आप जो कभी काम कर नहीं रहे हो तो आप उसका क्लेम क्या करोगे, वो कैसे विड्रॉल कर लोगे, फिर आप वही वाली बातें, जमीर है और ये है और उसूल है और ये है और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भाई इनको वसूल नहीं करना चाहिए था, इनको पाबंदी लगानी चाहिए थे, दोनों अपने अपने खाने में जो है वो लेकिन मेरा सवाल ये जंग साहब, 1971 का वाक्य हमने देखा,
जब जिद थी, इक्तदार की जिद थी, सकूते ढाका की बात कर रहा हूं, उस वक्त भी एक जिद का फैक्टर था जिसने पाकिस्तान को दोलख कर दिया। आज भी माजत के साथ ये बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, बदहन, अब मेरे मुंह में खाक बोलो कि ऐसी सूरत हाल करने जा रहे हैं ये लोग। सारी हो रही है ना, गलत तो नहीं कह रहे, गलत निशानदेही तो नहीं हो रही, निशानदेही क्या नजर आना चाहिए, सबको नजर आना जिम्मेदार होगा, सर इदारे मौजूद है, इदारे ये सब तबाही के जिम्मेदार है। आप कौन से इदारे का नाम लोगे यार, कौन पवत्तर है, कौन साफ सुथरा है, किसका रिकॉर्ड साफ है, अगर वो साफ नहीं है, किसका कौम का नुकसान है, कौन सी कौम जो डूब रही है, किसकी फिक्र, कौन सी कौम है, बता दो तो क्या करेंगे, नहीं तो डूबने दें, अगर भूखे तो भूखा रहने दें। 8 करोड़ लोग जो ना खते गुर्बत से जो है नीचे जा रहे हैं, उनकी हालत ये है, और आप कहते हैं क्योंकि डूबने दें, अच्छा आप बता दीजिए, आप फार्मूला दे दीजिए, ऐसे लीडर जो हमारे हो जो लड़ भी रहे हैं, उस वक्त लड़ रहे हैं कि जब मुल्क डूब रहा है, सूबे डूब रहे हैं, और जो है अगर ये लड़े तो खेल कर रहे हैं, अगर ये लड़े हैं और यहाँ पे कानून शिकनी हो रही है तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, किसकी है बता दो ना, कोर्टों की है, कोर्टों के फैसले आपके सामने, उस पर क्यों आप तनकीद करते हो, क्यों आपको नहीं लगता कि इंसाफ हो रहा है। मैं रियासत की कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, माजी में हुआ, आप स्ट्रांग प्लेयर बता दो, स्ट्रांग प्लेयर मुझे एक बात बता दें, आज ए पॉलिटिकल की बात हो रही है ना, आज पाकिस्तान में इतना बड़ा बहरान हो रहा है और एक नए बहरान को दावत दी जा रही है, एक ऐसा केयरटेकर सेटअप लाने की बात की जा रही है जहां बहरान दर बहरान दर बहरान आ रहा, कतार अंदर कतार लगा हुआ है, इंतजार नहीं है, साफ नजर आ रहा। यार फिर मैं कहूंगा हमारे मुंह में खाक, आधा टूट गया है, आधा तो बचा लो यार, खुदा के लिए करो, और क्या देख रहे हैं, क्या इनको नजर नहीं आना चाहिए, हमें ही नजर आना चाहिए, हमारे ही दर्द दिल है यार, कैसी बातें कर रहे हो, किसको बताओ, ये जब क्योस आता है, जब बिखर जाता है, जब इंतजार होता है और मुल्क जो है तितर बितर हो जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि आदमी को रास्ता नहीं मिलता, उसका हल नहीं मिलता, उसका सुझाव नहीं मिल रहा। अगर दो फरीक हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, तो दीगर जो आसपास जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे ये पहले भी सियासतदानों ने ये किया, फेल फ्लॉप फिल्म बने रहे, फिर उन्होंने क्या किया, निजात दहिंदा को बुला लिया है, वो लग गया है, माशाल्लाह लग गया, माशाल्लाह के रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं आए, वो कोई तरक्की नहीं, मैं आप फिर कहां जाए, किस तरफ जाए यार, सर माशाल्लाह क्या क्या वही एक रास्ता रह गया, इससे पहले तो मेरे भाई सर क्या इन फरीक है, सर मुझे आप मैं नसीहत वाले चल में बता दो, आपने पूछा मैं बता दो, आज स्पीकर साहब को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि आपने 10 माह से ये इस्तीफे अगर रोक के रखे थे तो कौन जिम्मेदार है, अगर इस्तीफे 10 माह पहले कबूल हो जाते और 10 माह पहले इस्तीफे कबूल होने के बाद इनके ऊपर इलेक्शन हो जाता तो फिर क्या स्पीकर साहब आज इस पोजिशन में होते, क्या पाकिस्तान इस पोजिशन में होता, क्या हुकूमत को आज ये एक ऐसा अपोजिशन लीडर, एक ऐसी अपोजिशन जो पार्लियामेंट में हुकूमत की यस सर बनी हुई है वो जचती है, तो हुकूमत ने कोई इलेक्शन नहीं होने दिया, कोई मामला होने दिया, सर ये कौन जिम्मेदार हुआ, मुफाद परस्ती जो तो सर मुझे बताना कौन तरफ से हो रही है, सब तरफ से हो रही है। अब दूसरी कहानी सुने, क्या इनको ये कहना चाहिए था कि हम जो है टॉपिल कर देंगे, हम जो है इसके खिलाफ वजीर आजम के खिलाफ ले आएंगे, अरे ये तो इख्तदार की जंग है, ये क्या मुल्क की जंग है, इसकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई नहीं बचा, जैसे आपने उन्होंने बताया हम टॉपिल कर देंगे, एक पार्टी एक तरफ है, अबे भाई उन्होंने कहा कि हम इसकी हुकूमत को स्मैश कर देंगे, खत्म कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हम तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, मजे की बात है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, किस इसी इसी की बुनियाद पे, तो ये तो ताकत का और इख्तदार का नशा है, इसकी बुनियाद पे लो भैया हमने डी नोटिफाई कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया, लो 124 चलेगा तुम्हारे, अब बताओ, अब वो कहेंगे नहीं हम तो सड़क पे आ रहे हैं, उनका सड़क पे आ जाओ, सड़क पे क्या करेंगे, अब वहां वो इख्तदार इंतजार बढ़ेगा। सर मेरा सवाल फिर वही है ना जागीर साहब, पहले माजी में ये सियासी इंतजार होता था लेकिन गुंजाइश छोड़ी जाती थी, एक दूसरे को बैठने का बिठाने का मौका दिया जाता था, आज आपको दिख रहे हैं, ये आहोजारी का मतलब ये है कि होश पकड़े, ये वे आउट निकाले, ये साथ बैठाएं, इनसे ना निकला तो फिर क्या होगा, फिर वही वाली बात कर दी कि भाई क्या होगा उसका अंजाम क्या होगा, जब सर उसका अंजाम क्या होगा, उसका भुगतान कौन भुगतेगा, मुझे तो बताए ना, हम और आप भुगतेंगे, ये तो सर हम और आप इसी काम में रह गए, तो बस सर हमने सालों सर सालों टैक्स भरा आपके बड़ों ने मेरे बड़ों ने, ये 23 करोड़ आवाम रोज एक एक चीज के ऊपर टैक्स देती है सर, वो इसलिए देती है एक ऐसे मुल्क के लिए देती है, क्या हमारे बड़ों ने इसीलिए कुर्बानी दी थी कि आज ये अपनी इक्तदार की अपनी जात की जंग के लिए इस पूरे मुल्क को और इस पूरे निजाम को दांव पे लगा दे, आप ये समझ रहे हैं कि हमारी चीख पुकार
ये जो आवाज आ रही है, आवाज फुकाए, हम चीख रहे हैं, दाड़ रहे हैं, हम जो है खून थूक रहे हैं, सब कुछ इनको समझ में आया, बेड़े बेहिस हैं। किसको आएगा वक्त, इनको सिखाएगा? नहीं नहीं, अगर वक्त निकल गया तो, वक्त निकल गया तो बस तो निकल, आप क्या करेंगे? मैं गलत तो नहीं कह रहा, वक्त तो ऑलरेडी निकल चुका है। बनाना स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, और क्या है, हम न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की सातवीं पावर है यार। सर खुदा का वास्ता, खुदा के वास्ते कौन सा न्यूक्लियर पावर सर? माजत के साथ सर, नहीं सर, आज आपकी आवाम के पेट में अगर रोटी नहीं है तो फिर मैं इस ये बात मैं कह रहा हूँ तो आपको जो तकलीफ हो रही है सर, मुझे हल बताए ना, आप बताए ना कि कौन होगा? ये एक ही हल है कि ये सुधर जाए या कौम इनको सुधार दे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कौम सड़कों पे आ जाए? भाई कौम सड़कों पे आए, किसी भी तरह आए। आप ये इसको बड़े मीनिंगफुल लेते हैं ये लोग, ये कहते हैं हम जो है ना फसाद बब्बा कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, भड़का रहे हैं, हम जो है इंकलाब के लिए, खूनी इंकलाब की तरफ करोड़ों लोगों को समझा रहे हैं ये लोग। आज भी हमारे फौजी जवान सरहदों पे शहीद हो रहे हैं। सर मुझे इस पाकिस्तान की फिक्र है, मुझे बता दें, मैं आज अपने मुल्क को बचाना चाहता हूँ। सर कल रात से जो बिजली का जो ब्रेकडाउन हुआ, आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की खबरें लगी हैं कि हमें हमारे सर शर्म से झुक गए। सर कोई नहीं था, खतरनाक कोई नहीं था सर, जिसमें अंधेर नगरी है और चौपट राज हो उसी के अंदर ऐसा अंधेरा भी थी। हुकूमत ने तो कल साबित कर दिया कि नगरी अंधेरे में डुबा देंगे हम। सर ये हुआ ना कल, सर कौन करेगा? मजे की बात, आप देखें तकलीफ आज की थी ना, हवाले जो है सन 14 के दे रहे थे कि उनके दौर में भी तो हुआ था। अबे उनके दौर में आग लग गई थी, मुल्क बर्बाद हो गया था, मुल्क टूटा भी किसी के दौर में। आप अब उसकी मिसालें दे रहे हो, अपने गिरावन में क्यों नहीं जागते? सर रास्ता क्या, ये बता दें। रास्ता मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक बलोगत, एक जो खुली आंखों से देखें, तकलीफ महसूस करें, और इनको जो है बिल्कुल छूट ना दें आवाम। ये नहीं कि अभी बटी हुई अमाम की तुम निजात दहिंदा वो है और निजात दहिंदा वो है, निजात दहिंदा ये कौम अगर बनेगी जब, अगर ये अवाम नहीं सब करना है तो मेरे ख्याल से बाकी जो ये सारे दारे उनसे तवक्का छोड़ दें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, छोड़ दें। अच्छा तवक्का लगा लें, मुतमइन हो जाए, तवक्का लगा लें, क्या रिजल्ट आ रहा है आपको नजर आ रहा है तो मुझे आप बता दें। तवक्का छोड़ दें, चलो तवक्का लगा लें, आप बहुत तवक्कात लगा लें, किस किस से लगा लें, फिर रिजल्ट तो वही होगा जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए। फिलहाल रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ऐसे ही चला, मायूसी नजर आ रही है ना मेरे भाई, खून के आंसू रो रही है कौम। फैसला करेगी ना सर, आवाम ही को फैसला करना है ना आखिर में, आप ये कह रहे हैं ना, और कोई बचा नहीं ना। अभी ये नहीं कि इसमें बढ़ जाओ, इसमें ये ताकतवर हैं, ये तजर्बाकार हैं, ये नए हैं, ये पुराने हैं, ये इमरान खान हैं, ये जो है चौधरी हैं, ये सर ये देखिए कौम के मुफाद से होती है ये बात कह के मुझे प्रोग्राम को आज माजत वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट है। जिन सियासी हुक्मरानों को, जिन सियासी कुव्वतों को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं समझ आता, वही उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो किस तरीके से इस मुल्क में जमहूरियत की बात कर सकते हैं? आज इस मुल्क में माजरत के साथ जिस जमहूरियत की बात की जाती है वो कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में नहीं आई। कराची के बलदियाती इंतखाबात ये आपको एक बड़ी क्लियर मिसाल है। और मैं आज एक और प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो सारा गोरख धंधा रचाया जा रहा है कि अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप आ जाए, वो सिर्फ और सिर्फ कराची के इंतखाबात जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसको सैंपल के तौर पे लिया गया, असल खेल वहां खेलना है। और वो कौन खेलेगा, किसके हक में होगा, ये खेलने वाले भी नहीं जानते। आज लग जरूर रहा है कि खेल उनका है, उनके हक में हाथ, ये में खेल सारे खेल निकल रहे हैं हाथ से सर, भाई साहब सर ये खेल पलट जाएगा, ये खेल तो पलटेगा, लेकिन किससे, खुदा करे कि हमारे मुफाद में, अवाम के मुफाद में पलट। अच्छा एक बात, ये जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूर किसे कहते हैं? अवाम को कहते हैं। कहाँ है अवाम भाई? वे तो सड़कों पर, वो तो पानी में डूब रहे हैं, वो सड़कों पे बेचारे अभी आवाम के लिए प्लॉट एहतजाज करने, आवाम के लिए वो प्लॉट तैयार है, वो कहते ना वो तो खामोश कॉलोनी की बात ये वो तो प्लॉट तैयार है। देखें ये खामोश कॉलोनी बनने में देर नहीं लगे, ये तो हमारी आवाज है, हमारी चीख पुकार है, आवाज आ रही है, जिसकी वजह से खामोश कॉलोनी नहीं बन पा रहा, वरना तो सकता ही सकता नजर आ रहा है, हर एक अपने उसमें लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने वक्त दिया। और यकीन तौर पर कुछ उम्मीद हो तो मैं उम्मीद की बात भी करूं, लेकिन उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। एक उम्मीद आज भी मौजूद है, वो अगेंस्ट होप आप रखें, खुदा करेंगे, अल्लाह की जात से भरोसा रखें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी आवाम में वो शऊर बेदार कर दे, और हम अपने आप से अगर एक बेहतरी का अमल अगर आज से आगाज कर दें तो यकीन तौर पर वो मंजिल दूर नहीं। बस जरूरत इस बात की है
कि उस तरफ चलने की शुरुआत तो करें, उस तरफ कदम तो बढ़ा दें, अपने छोटे कदम को इस सोच के साथ मत रोक दें कि कदम छोटा है इससे मंजिल कौन सी करीब आ जाएगी। आप इब्तदा तो करें, ये छोटे छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल की तरफ, बड़े हदब की तरफ पहुंचाएंगे। अपने आप से शुरू करें, बस इतना से पैगाम होगा। अपने मेजबान में एक जुमला मैं कह देता हूँ आपकी, कि भाई असल लीडर तो आप हैं, जो इंसान को होप भी दिला रहे हैं, आगे की मंजिल भी दिखा रहे हैं, उसको रोशनी भी दिखा रहे हैं, और जो है जो सुरंग के सिरे पे जो है कोई रोशनी लगे वो भी ब्लिंक कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं इंतखाबी निशानी रखूं? नहीं, ये आपका इंतखाब की नहीं है, आप जो है आपका इंतखाब ये है कि एक आवाम है जिसके दर्द दिल रखते हैं। मेरे ख्याल से आज हर शख्स को खुद अपने तौर पर अपने अंदर का लीडर जगाना पड़ेगा। आज अपना लीडर आप खुद बने, अपनी चिंत का तयन करें, और फिर अगर कोई बात समझ आती है, अगर किसी की बात आपके दिल पे लगती है कि वो सही है, तो फिर उसको बिल्कुल फॉलो किया जा सकता है। लेकिन ये याद रहे, जाती मफादात से परे होके ये फैसला करें। अपने मेजबानों उनको इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।